हम जा रहे हैं भाई टोयोटा शोरूम, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई ना कई टाइम से एक गाड़ी में प्लान कर रहा हूँ, पर मेरे को ना गाड़ी कोई भाई सही सी मिल ही नहीं रही है ना। बाहर से लुक कुछ ऐसी दिखती है, फ्रंट से ना थोड़ी इनोवा वाली फीलिंग आती है, पर थोड़ी खतरनाक सी लगती है। देखो ये ना बंद भी हो जाती है, इसका ना कोई कवर वगैरह भी आ जाता है तो उससे बंद भी हो जाती है। अपने आराम से उतरेगी। देखो मैं बैठा हूँ टोयोटा हाईलक्स भाई, अंदर से तुम्हें बिल्कुल भाई फॉर्च्यूनर जैसी दिख रही होगी, है ना। पीछे थोड़ा अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह के लिए ना वो नहीं है जगह बिल्कुल भी। तो भाई अपनी गाड़ी आ चुकी है टेस्ट ड्राइव के लिए। पहले भाई एक बार ना टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, ऑटोमेटिक है शायद। और ये भाई अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर, वो लेने कह रहे पापा मैनुअल, क्योंकि पापा को पसंद है भाई मैनुअल, अपने को पसंद है ऑटोमेटिक। पर गाड़ी ऑलमोस्ट भाई पहले जैसी है, बहुत ही ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। चलो तो कराते हैं भाई जल्दी से बुक अपनी गाड़ी है, जो देखते हैं उसका कोटेशन लगवाते हैं, देखते हैं भाई कितने की पड़ेगी कितने की नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई नहा धो के अपना हो चुके बिल्कुल सेट, और फिलहाल भाई अपना टाइम हो रहा है 11:54, ऑलमोस्ट अपने 12 बज चुके हैं। तो आज का सीन कुछ ऐसा भाई, हम जा रहे हैं भाई टोयोटा शोरूम, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई ना कई टाइम से एक गाड़ी में प्लान कर रहा हूँ, पर मेरे को ना गाड़ी कोई भाई सही सी मिल ही नहीं रही है ना। अपने को गाड़ी चाहिए ऐसी जो बहुत ही मतलब रेयर सी हो और अपने हिसाब की हो, है ना, जो हम उसको भाई मॉडिफाई वगैरह भी करें तो तगड़ी हो, है ना। तो ऐसी मैं कोई गाड़ी प्लान कर रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रही है। तो अभी एक बार टोयोटा शोरूम जा रहे हैं, वहाँ पर ना गाड़ी देख के आनी, एक टोयोटा हाईलक्स है ना, तुमने देखी भी होगी। वो बहुत से बंदे होते हैं टम्पू सा जो होता है, वो है ना टम्पू नहीं होता भाई, वो बहुत गाड़ी बहुत तगड़ी है वो, ठीक है। तो टोयोटा जा रहे हैं, टोयोटा शोरूम जा रहे हैं। अभी अपने भाई है जो वो नहा रहे हैं, और एक दो भाई है वे भी आ रहे हैं, ठीक है नहा धो के। तो निकलते भाई और मिलते तुम्हें टोयोटा शोरूम पे। और कल का सीन भाई तुमने देखा ही होगा, हम जो अपनी आरक्षण राइड है ना उसको डाल के आ चुके हैं अपना मिस्त्री के, है ना, सॉरी उसका इंजन मिस्त्री का डाल के आ चुके हैं ना। तो मिस्त्री से मैंने बोल दिया था, मैंने कहा भाई देखो मैं तो यहाँ पर रुक नहीं पाऊँगा और ना इतना टाइम है मेरे पास कि इंजन मैं बैठ के वहाँ पे करा सकूँ, क्योंकि हम गए लेट थे घर से, है ना, तुमने देखा होगा हम गए लेट थे घर से, तो टाइम लग जाता मैं बहुत वहाँ पे भाई, है ना। तो उसके चक्कर में मैंने कहा भाई मैं इंजन यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, आप ऐसा करो 2 दिन आपके पास, 2 दिन में आराम से इसको बांधो तरीके से, क्योंकि अपना जो पेंट का सामान है ना वो भाई 2 दिन बाद ही आएगा, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि वहाँ पे ना उस पर सामान वगैरह ज़्यादा हो गया, थोड़ा बिजी है वो, कहने मतलब ये है। तो 2 दिन का टाइम है, 2 दिन टाइम भाई मैंने दे दिया मिस्त्री को, मैंने कहा आप इंजन कर दो इसका। तो वो कह रहा भाई 2 दिन बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से बढ़िया कर दूंगा। सारा सामान दे दिया टोटली उसका, और जो भी क्रोम वगैरह हुए थे ना सब, बफिंग वगैरह पेंट वगैरह इंजन के जो भी है सब दे दिया तुमको, ठीक है। और तुमने कल देखा भी होगा भाई मैं जिंक करा के लेके आया था, नट बोल्ट वो रखे इस कट्टे में, ये रखे भाई, मैं कह रहा हूँ इतनी अच्छी जिंक ना सच में मेरी बाइकों की भी नहीं हुई जितनी आरएक्स के नट बोल्टों की हुई है। ऐसे नट ना भाई नए भी नहीं आते, ठीक है, जैसे ये नट हुए ना जिंक, ऐसे भाई नए नट भी नहीं आते, पता नहीं क्यों हो जाता है, कभी कभी बहुत अच्छी जिंक हो जाती है। तो चलते भाई जल्दी से, मिलते तुम्हें अब टोयोटा शोरूम पे, ठीक है, देखते हैं हमें कौन सी गाड़ी पसंद आती है या नहीं। और एक हम अपनी जो फॉर्च्यूनर है ना भाई, हम उसको भी अपना बदलने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो भाई 17 मॉडल है, ठीक है, 16-17 में ही आई थी शायद, हाँ ये वाला जो मॉडल है ना जो अब आया है फॉर्च्यूनर का, है ना, जो मतलब अब चल रहा है जो, ये मॉडल भाई 17 में आया था शायद, तो 17 का लास्ट ही है वो, तो चेंज करने की सोच रहे, पापा कह रहे हैं कि वो गाड़ी चेंज करनी है, तो एक फॉर्च्यूनर भी हमें आज बुक करके आनी है, और मैं अपने लिए भी एक गाड़ी देख के आऊँगा वहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं तुम्हें टोयोटा शोरूम पे, देखते हैं हमें कौन सी गाड़ी पसंद आती है। मैं मेनली तो भाई मैं जा रहा हूँ अपना हाईलक्स के लिए, वैसे तो भाई जा रहे थे गाड़ी बुक करने फॉर्च्यूनर, पर मेरा प्लान बन गया, मैंने कहा भाई मैं भी चल रहा हूँ, मेरे को गाड़ी देख के आनी है वो टोयोटा हाईलक्स, वो गाड़ी बहुत तगड़ी लगती है यार मेरे को सच में, और सो ऊंची ट्रक सी है ना भाई, अपने को देखो यही चीज़ ज़्यादा पसंद है, छोटी मोटी गाड़ी। मैं एक बार वेन्यू देख के आया था, तुमने देखा था होंडा की वेन्यू, पर भाई मेरे को ना उसमें बिल्कुल भी वो चीज़ फील नहीं आई, मैंने कहा भाई अपने लेवल की गाड़ी ये है ही नहीं, है ना, वो जो वेन्यू है ना वो मतलब अपने लेवल की गाड़ी है ही नहीं, तो वो कर दी भाई कैंसिल, उसको नहीं लेके आई फिर। तो पापा कह रहे थे थार वार ले ले, मैंने कहा थार पापा घर गैल थार हो रही है, मैंने कहा थार नहीं लेनी, गाड़ी लेनी है ऐसी जो भाई किसी पे हो ही ना, हो तो भाई कोई एक दो आदमी ने पे ना, बहुत रेयर हो जो, तो ऐसा कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या सीन रहता है, शोरूम चलते एक बार, वहाँ पे चल के पता चलेगा, गाड़ी वहीं देखेंगे, है ना, उसके फीचर्स वगैरह देखेंगे, और वहीं देख के भाई पता चलेगा कि गाड़ी है जो अपने लेवल की है या नहीं है। लेवल का मतलब भाई मेरे हिसाब से समझ रहे हो, मतलब मेरे को ना पसंद आनी चाहिए गाड़ी की, हाँ यार ये देगी मज़ा, तो वो वाला चीज़, ठीक है। तो चलते भाई शोरूम पे जल्दी से, भाई आ रहे हैं बस नहा धो के फिर निकलते हैं। बाहर खड़ी है अपनी i10, तुम्हें दिखा देता हूँ, दिख भी रही होगी, ये रही भाई
और भाई गर्मी इतनी तगड़ी पड़ रही है ना, और गर्मियों में मौसम कितना साफ रहता देखो, है ना, बादल वगैरह सब क्लियर दिख रहे हैं बिल्कुल। लो भाई, और अपनी ना एक जो स्प्लेंडर है भाई की जो हम तैयार करवा रहे हैं, उसमें भाई एक दो काम होएगा, ये रिपने हाइट है, इसको लेके जाएंगे हम ब्लैक जेड डोर की पूरी ला ला भाई, ये वो स्प्लेंडर भाई देखा था तुमने भाई, हम इसमें एक काम करा के लेके आए थे ना, ये बुल का स्टिकर, नीचे की प्लेट, अभी ना इसमें थोड़ा मोटा काम हो रह रहा है, इसकी जो प्लेट है इस पर नियॉन वगैरह लगेगी, ये सब मैंने वैसे तुम्हें बता भी दिया है पर फिर से बता रहा हूँ, एक कमी और आई है इसमें, पता क्या, इसका जो स्टैंड है ना वो साइडों से टच नहीं हो रहा टेरिस में, अंदर की तरफ टच हो रहा है, अंदर जो स्टैंड में वो होती है ना छोटा सा पाइप सा जो होता है वो टच हो रहा है टायर में, तो वो ठीक कराना पड़ेगा अभी, है ना। तो लाइट और बैक बत्ती स्मोक और इसके जो फ्रंट लाइट है ये वाली, ये जेड ब्लैक होगी, और इसमें अलग से एक आउट लाइट लगाएंगे, जैसे अब मेरी स्प्लेंडर में लग रही है ना, मेरी स्प्लेंडर वहाँ पे खड़ी है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी भाई, यहाँ पे खड़ी होती स्कॉर्पियो या आई टेन भी खड़ी होती कभी कभी, तो यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने खड़ी कर दी वो वहाँ पे जहाँ पे पहले ये खड़ी थी। तो बाइक भाई ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छी लगने लगी है, ठीक है, लुक भाई इंक्रीज हो गई है पहले से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना मॉडिफाई करने में ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हटानी पड़ती है, जैसे इसके पीछे की जाली है, ठीक है, ये भी हटानी पड़ती है, पर वो भाई कह रहे नहीं भाई ये नहीं हटानी हमको, थोड़ा ज़रूरत है इसकी, समझ रहे हो तुम ज़रूरत कैसी होती है, तो उसी के चक्कर में कह रहा भाई ये नहीं हटानी, मैंने कहा भाई कोई नहीं यार, ठीक है। और रैप ना भाई थोड़ी थोड़ी यहाँ से हट रही है, ये चीज़ दिक्कत कर रही है, इस पर यार रैप चिपकती नहीं है भाई, ये कवर होता है ना जो पीछे वाला टेल कवर होता है, इस पर चिपकती ही नहीं है रैप, मेरी भी ऐसी हट रही थी उस पर से, तो इसका सीन रहता ही रहता है। चलो कोई नहीं, सॉकर इसके रैप रैप करने भी रह रहे हैं, इनको भाई मैं ही कर दूँगा खुद, क्योंकि मेरे पास पड़ी है ना, मेरे पास ये वाली रैप पड़ी है, क्योंकि जब मैंने पहले अपनी स्प्लेंडर कराई थी ना उसमें से बच गई थी वो रैप, तो मैंने वो रख ली थी, मैंने कहा भाई कभी भी काम आ सकती है। अरे हाय धूप बाहर निकलते तो ऐसे मतलब ऐसा लग रहा भाई हीटर चल गया सिर पर, भाई बहुत तगड़ी गर्मी है यार, अभी तो भाई प्रॉपर जून भी नहीं आया यार, जून में सबसे तगड़ी गर्मी होती है तुम्हें पता है ना, अब की बार भाई गर्मी तो बहुत तगड़ी पड़ने वाली है सच में। तो भाई कहाँ देते भाई, निकलते शोरूम वहाँ पे देखते हैं गाड़ी अपनी, ठीक है, मिलते तुम्हें अब टोयोटा शोरूम पे। फिलहाल अपना पहुँच चुके हैं टोयोटा के शोरूम में, और फिलहाल भाई मैं बैठा हूँ टोयोटा हाइलक्स, ये देखो भाई अंदर से तुम्हें बिल्कुल भाई फॉर्च्यूनर जैसी दिख रही होगी, है ना भाई, ये फॉर्च्यूनर ही जैसी है बिल्कुल अंदर से, और ये ऑटोमेटिक है, ये देखो पावर मोड और इको मोड, और बाहर से तुम्हें एक बार इसकी लुक मैं चेक करा देता हूँ भाई, पीछे देख लो इसमें ना पीछे बंदे देखो बैठ तो सकते हैं, पर इसके पीछे थोड़ा अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह के लिए ना वो नहीं है जगह बिल्कुल भी, देखो बिल्कुल बंद है इसका कैबिन पीछे से, ठीक है, और इसमें ना वो दे रखी पीछे डिग्गी, जैसे उसमें होती है ना जैसे ट्रक वगैरह की डिग्गी होती है ना थोड़ी स्ट्रॉली, वो दे रखी इसमें पीछे, तो उसकी वजह से ना इसमें स्पेस नहीं है, तो गाड़ी भाई अंदर से तो बिल्कुल फॉर्च्यूनर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ से मुझे थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, फॉर्च्यूनर में यहाँ पे आता वो एक डैशबोर्ड आता है उसका अलग, यहाँ से इसका थोड़ा अलग है, और ये 4x4 है, 4x4 के स्विच, ठीक है, गाड़ी और हैंडल भाई अपना पूरा ही फॉर्च्यूनर जैसा है। लो भाई गाड़ी में भाई फीलिंग आ रही तगड़ी बैठने के बाद अंदर तो, ठीक है, और ये अपना तो फॉर्च्यूनर भी देख रहे भाई, हाइलक्स तो देख ली, फॉर्च्यूनर वो खड़ी भाई वो लेजेंडर है, हम अपने को देखनी नॉर्मल वाली। लो भाई भाई बाहर से लुक कुछ ऐसी दिखती है, अंदर फ्रंट से ना थोड़ी इनोवा वाली फीलिंग आती है, पर थोड़ी खतरनाक सी लगती है, देखो और पीछे दिखाऊँ इसकी जो ट्रॉली से मैं बोल रहा था, ये भाई ये वो ट्रॉली सी है, ये ना बंद भी हो जाती है, इसका ना कोई कवर वगैरह भी आ जाता है तो उससे बंद भी हो जाती है, हम लेंगे तो ये बंद ही करा देंगे, हमें तो वैसे कुछ काम है नहीं इसका। लो भाई जैक भी इसमें तो अपने आराम से उतरेगी, देखो लो भाई गाड़ी तो भाई अपने लेवल की सही है ना, पर इसमें व्हील डलने चाहिए भाई बड्डे तगड़े, है ना, कम से कम 26 इंच तो इसमें डलने चाहिए ऑफ रोडिंग वाले, तब बनेगा ये ट्रक, और लिफ्ट होनी चाहिए, और इसमें यार एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ भाई, इसमें तो वो आते पट्टे, ये देखो है ना जिप्सी जैसे पट्टे आते हैं, इसमें सॉकर्स तो मेरे हिसाब से है ही नहीं, तो लिफ्ट कैसे होगी ये, चलो भाई जो लिफ्ट करता है वो बताएगा ये चीज़ तो, है ना, पर गाड़ी भाई एक नंबर की लग रही है, यहाँ से देखो थोड़ा फ्रंट से देखोगे ना एग्रेसिव लुक आ रही बिल्कुल, देखो हाइलक्स, और ये भाई अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर, हाँ भाई ला भाई भाई कलर में देख रहे हो वो इसमें क्या बोलते हैं उनको, ला भाई फॉर्च्यूनर वो भी अंदर से भाई फॉर्च्यूनर जैसी है वैसे, है ना, इंटीरियर सारा फॉर्च्यूनर जैसा ही है उसका, बस थोड़े बहुत फर्क है। हाँ भाई कबीर, अरे रुक जा यार, बढ़िया गाड़ी,
है कबीर। और भाई ये क्या है, हटियो। अरे मुझे भी बैठा ले यार, पानी। अरे तेरी तू आगे खड़ा हो। ले भाई ये भाई अंदर से फॉर्च्यूनर है, ये भी ऑटोमेटिक है। हाँ कबीर ये तो अपनी जैसी है बिल्कुल, लग रहा है कुछ अलग। ये तो अलग है कुछ, ये अलग है, अलग है ना। ये लेजेंडर भी तो है, हमको लेनी है वो सिग्मा है कबीर। फिर कौन सी लेंगे हम? अरे सारी ले जाए। दो। अरे भाई दो दुआ दे यार, मौज आ जाएगी दोनों में। इसको डन करें फिर? एक इसको ले ले, अरे एक उसको ले ले हाईलैक्स को। ओ जो वो गाड़ी है वो टम्पू है, ये बता पहले। गाड़ी है टम्पू है वो? गाड़ी अच्छा। है वो टम्पू है वो? टम्पू में छपाने भर के जाता खाने पीने का। तो खाने पीने का सामान लेके जाएंगे ना हम अपने लिए। अल्लाह भाई भाई पीछे स्पेस ऐसा ही है, पहले जैसी है, वैसे ज़्यादा कुछ तो चेंजेस में है नहीं भाई। बस ये यहाँ पे फ़र्क है, देखो वो अपना वो है डार्क ब्राउन सा कुछ, और ये रेड रेड सा कुछ है ना, सीट कवर है जो। और पीछे कुछ देखे तो भाई डिग्गी में ला भाई यार, ये तो बढ़िया लगते हैं इनके सिस्टम है ना, बड़ी गाड़ी होगी ना, ये सिस्टम बढ़िया अपने। ला भाई भाई पीछे सब सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। देखो ऐसी सीट उसमें आती है पहले ए सी में ही, और ऐसी इसमें है। चलो भाई तो देखते भाई इनका एस्टिमेट लगवाते हैं कितने की पड़ेगी कितने की नहीं, फिर कराते बुक। और हाईलैक्स का भी एक बार एस्टिमेट लगवाएंगे, देखेंगे कोटेशन उनके लेंगे। देख कबीर बंद हो गए भीतर। अरे कैसा है भाई? भाई भाई देखो अंदर से ऐसी है जैसे हाईलैक्स थी, देखो है ना। एक बार इसमें बैठ के देख लेते स्पेस वगैरह कितना है। गाड़ी यार ऑटोमेटिक ही बढ़िया लगती है भाई, एक चीज़ तो है। पर अपने जो फॉर्च्यूनर है ना वो लेने कह रहे पापा मैनुअल, क्योंकि पापा को पसंद है भाई मैनुअल, अपने को पसंद है ऑटोमेटिक। हम तो कह रहे पापा ऑटोमेटिक ले बढ़िया रहेगी। पापा कह रहा नहीं यार मेरे को भाई वही अच्छी लगती है मैनुअल। मैंने कहा जी देखो जैसी आपको अच्छी लगे, चलानी है आपको हमको थोड़ी। ये भाई इसका कुछ सामान वगैरह रखने का पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, पर गाड़ी ऑलमोस्ट भाई पहले जैसी है, बहुत ही ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, है ना। थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिफरेंस है, ज़्यादा तो मेरे कुछ फ़र्क लगा नहीं है। मेरे को ना फ़र्क इनका ही लग रहा है, ये गंदे भी लग रहे हैं वैसे सच बताऊँ। ये जो रेड कलर का जो थोड़ा ये आया ना इनमें सीट कवर में है ना, ये गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये वही अच्छा लगता था जो अपनी फॉर्च्यूनर में है ना, वो डार्क ब्राउन सा है वो, ये वही अच्छा लगता था है ना। और इसमें ना शायद वो एम्बियंट लाइट भी है, एम्बियंट लाइट ये इधर कहीं होती है, वो जलती है वो शायद ऑन होने के बाद। चलो तो देखते भाई इनकी कोटेशन देखते हैं कितने की पड़ेगी गाड़ी, कितने की क्या सिस्टम है ना। और इसमें भी कुछ ऑटोमेटिक वगैरह है, ये भी अपना पहले जैसे ही है। ठीक है तो चलते भाई जल्दी से और कोटेशन लगवाते, देखते हैं गाड़ी कितने की पड़ेगी है ना, और डिस्काउंट वगैरह जो भी सिस्टम है सारा समझाएंगे तभी। और एक आप ये चीज़ देख रहे होगे भाई, ये गियर है ठीक है, ये माइनस दिख रहा है, इसको ऐसे प्रेस करोगे तो भाई अपना गियर कटते जाएंगे, और इसको ऐसे प्रेस करोगे तो गियर लगते जाएंगे अगर आप चलाना चाहते हो तो। ठीक है ये शायद इस पर आएगा DS, इस पे चलती है ऐसे। अगर कोई बंदा चाहता है ना भाई कि मैं मैनुअल वाली फीलिंग लूँ ऑटोमेटिक गाड़ी से फॉर्च्यूनर से, तो भाई उनके लिए ये वाले खटके है। देखो ये वाले स्विच माइनस वाला प्रेस करोगे ना तो भाई गियर कटते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे, और प्लस वाला स्विच अपना प्रेस करोगे तो गियर भाई लगते जाएंगे ऊपर। ठीक है समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो दोनों वाली फीलिंग आ सकती है भाई। ऑटोमेटिक तो सही लग रही है फिर तो, है ना। भाई अपना इधर फ़ोन वगैरह रखने का, और ये पानी वानी अपना कॉफ़ी वगैरह जो भी रखनी हो। और स्टीरियो में भाई थोड़ा सा चेंजेस है, पहले वाले स्टीरियो में ये वाले नहीं है, अब के वाले स्टीरियो में है ये। ठीक है और मेरे को कुछ ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं है। ये भाई इसका सामान रखने का, ये भी डैशबोर्ड, इसमें सामान वगैरह रखते हैं। और म्यूजिक सिस्टम भाई अभी चला के देखा ही नहीं है, पता भी नहीं है। और ये मेरे को एक नई चीज़ लग रही है, पता नहीं क्या है ये, शायद मेरे को ऑटोमेटिक में ही होती है, क्योंकि ये हाईलैक्स में भी थी ये चीज़ सेम। ठीक है पर वो 4x4 भी तो थी भाई, फोर व्हील ड्राइव थी वो। चलो तो कराते भाई जल्दी से बुक अपनी गाड़ी है जो, देखते हैं उसका कोटेशन लगवाते हैं, देखते हैं भाई कितने की पड़ेगी कितने की नहीं। और हाईलैक्स की भी मैं एक बार कोटेशन लगाऊंगा, मैं तो भाई अपनी गाड़ी देखना है हाईलैक्स, और फॉर्च्यूनर तो भाई बुक करने आए पापा के लिए। ठीक है पर एक बार हाईलैक्स की भी कोटेशन लगवाएंगे, देखेंगे कितने की है ना। हेलो तो भाई अपनी गाड़ी आ चुकी है टेस्ट ड्राइव के लिए, पहले भाई एक बार ना टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, ऑटोमेटिक है शायद, क्योंकि पापा कह रहे हैं कि एक बार चला के देखेंगे ऑटोमेटिक में क्या सिस्टम है, क्योंकि हम तो भाई ऑटोमेटिक के लिए बोल रहे हैं ना, पापा कह रहे हैं हम मैनुअल चलाएंगे। अलावा ये तो अलग से फुटरेस्ट लगा रखे इसमें,
बैठो भाई कबीर, ये देखो भाई अलग से फुट रेस्ट लग रहा है इसमें, आफ्टर मार्केट बैठो। आप ही बैठो क्या? अरे हमका गाड़ी लेके भग रहे भाई। चलो उधर हो दीपक थोड़ा। तो गाइस हम जा रहे भाई एक बार टेस्ट ड्राइव के लिए, देखते भाई ऑटोमेटिक फॉर्च्यूनर कैसी चलती है। बैठ गए भाई, चढ़िए भाई चढ़िए। ये भाई फुट रेस्ट तुम देख रहे हो, ये तब खिड़की खुलती है ना तब खुलते है, अब खिड़की लगाई ना बंद हो जाएंगे। अरे भाई चोर है गाड़ी यार, हम तो ये पता नहीं है क्या गाड़ी चोर नहीं है भाई। ये अपना गाड़ी के टेस्ट ड्राइव लेके आ चुके हैं, और इधर की साइड से ले गए थे भाई और उधर की साइड से लाया था मैं। तो भाई मेरे को तो देखो खास मजा आया नहीं ऑटोमेटिक में, सच बताऊं भाई। एक तो एवरेज नहीं बिल्कुल भी, हम चला के लाए ना 7 की एवरेज पे आ गई, एवरेज बहुत गंदी है। और ये देखो फुट रेस्ट देखो अपना बंद हो गया ना, पर हमको तो पसंद नहीं आई यार भाई, पापा को पसंद नहीं आई। अब देखते डिसाइड करते कौन सी गाड़ी सही रहेगी, हम तो भाई मैनुअल ही अपना सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ना एक बार एसेसरीज देख रहे हैं जो भाई कंपनी की तरफ से आती है, मैट वगैरह देख लिया भाई, कोई खास तो पसंद आई नहीं, पर एक मैट था जो हमें वो सिलेक्ट कर लिया है। एक ये भाई अपना साइलेंसर का पता नहीं कैप वगैरह क्या है, देखिए भाई सही है भाई है ना, ये वैसी है अपना सो के लिए। बेस मॉडल सी लग रही है, बेस हट कर लगेगी दीपू भाई। ऐसे सीरीज ना हमको ज़्यादा तो पसंद आ नहीं रही है, एक तो भाई ऑटो फोल्ड मिरर जो साइड के ये करा दिए, और एक ऐसे डोर खोलेंगे ना तो नीचे आएगा फॉर्च्यूनर लिखा, ठीक है वो करा दिया है। और क्या कराया, एक दो चीज़ और कराई है, ज़्यादा कुछ ऐसी सीरीज तो अच्छी लग नहीं रही है ना, यहाँ पे वो क्रोम वगैरह लग जाती है वो गंदी लगती है ना। तो अभी ना और चॉइस कर रहे हैं इसमें ना, पता क्या सीन भाई अपने पास ना 20,000 तक मतलब फ्री है ऐसी सीरीज, 20,000 तक कोई भी ऐसी सीरीज हम लगवा सकते हैं, 18,000 की तो होगी अभी तक, अपना 2,500 की और रह रही है। ये जो है हाई रेडर का है इस गाड़ी का। अच्छा इसका है, ये जो है हाई क्रॉस का है, और आपकी गाड़ी का है वो अलग है, वो क्रॉस का नहीं दिखेगा। लो भाई भाई ये अपना स्टीरियो वगैरह ये अपने फॉर्च्यूनर के नहीं है, किसी और गाड़ी के। ये खड़ी भाई लेजेंडर। तो भाई आप काम चल रहा है अपना एसेसरीज का, एसेसरीज सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं खा रहा हूँ बिस्किट। और ये खड़ी अपनी हाईलक्स फेवरेट गाड़ी, और वो खड़ी अपनी फॉर्च्यूनर, वो लेजेंडर है पर हमें वो ले रहे सिग्मा। ले भाई अपने भाई सोपू भाई के लिए चश्मे देख रहे हैं, सोपू भाई भाई सोपू भाई हट जा। ये सही है भाई, भाई हम भी देख रहे थे चश्मा। ये चश्मे छोटे कौन बड़े सही भाई, अरे रिजॉर्ट देख रहे थे कौन बड़े यार। ये लगा तू ब्रो सोपू लड़कियां फैन हो जाएंगी भाई, ओ भाई साहब बच्चों के बच्चा ही तो तू। ला भाई अपना सोपू भाई बच्चों के सोपू यार चश्मे तो बढ़िया से था यार, कोई चौखुंटे से हो जो बिल्कुल ये तो बहुत बुरे हैं। एक मनीष जो फॉर्च्यूनर में जो मैंने वही भाई अपना चश्मे देख रहे हैं भाई सोपू भाई। अच्छा ये क्या चाहिए मेरे को,
दिस मैं बताऊंगा दिस सोप भाई क्या पहन लिया आपने इन्हें मतलब लेंस अरे इनमें लेंस लग गया लगता है हाँ जिनकी भाई आंख वाले होते हैं ना उनके लेंस लगते हैं भाई कोई अच्छे चश्मे मिल ही नहीं रहे हमको तो अपने लुक के हिसाब से अरे भाई